हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज के बाद आप लोग मुझे ये कमेंट करना बंद कर देना, गुरुजी की संस्कृत में अनुवाद करा दो। देखो हमने इस वीडियो में लगभग आपसे 150 अनुवाद कराएंगे, 150 से 200, और सारे प्रश्न जो हैं चाहे वो आप 2022 में दो, 23 में दो, जब भी एग्जाम देना दे दो, इन्हीं से बाहर नहीं आएंगे। आपके 6 अंक मुट्ठी में आ गए, बस आपको देना है अपना है ना बहुमूल्य 15 मिनट, और आपके 6 अंक जो संस्कृत अनुवाद से हैं आपके मुट्ठी में रहेंगे। इन प्रश्नों को आप अगर चाहें तो लिख लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो मेरे प्यारे साथियों चलते हैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को है ना कर दीजिए लाइक, क्योंकि फिर आप वीडियो की भावनाओं में खो जाएंगे और फिर वीडियो को है ना लाइक करना भूल जाएंगे। चैनल पर पहली बार उनको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड के लिए सबसे बेस्ट वीडियो आपको है ना इसी YouTube चैनल पर मिल सकती है। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। एक एक प्रश्नों को आप अच्छे से देखेंगे। मैं कोई संस्कृत का स्पेशलिस्ट नहीं हूं, मेरे पास तो कहीं से है ना हो सकता है एक आध प्रश्न मिस्टेक हो, लेकिन मैंने प्रयास किया कि मिस्टेक नहीं हो। पहला हमारा आता है कि गंगा हिमालय से निकलती है, तो हम इसे संस्कृत में कहते हैं गंगा हिमालयात नहीं सरती। दूसरा कि पिता के साथ पुत्र जाता है, तो पिता सह पुत्र गच्छति। अगला हमारा आता है मेरे प्यारे साथियों कि हम लोगों की परीक्षा कब होगी, हम लोगों को कहते हैं संस्कृत में अस्माकम, परीक्षा को परीक्षा ही कहते हैं, कदा भविष्यति। अगला आता है मैं इतिहास पढ़ता हूँ, अहम इतिहासम इतिहासम पठामी, मैं पढ़ता हूँ तो अहम पठामी। नेक्स्ट हमारा आता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा क्या नाम है, तो त्वा नामः किम अस्ति, मुझे पुस्तक दो, मह्यम पुस्तकम देही। बस आप इस वीडियो को पूरा 2-3 बार देख लीजिए, आप आराम से लिख लीजिएगा। कल मोहन विद्यालय नहीं गया, तो हय मतलब कल होता है, मोहन विद्यालयम न अगच्छत, गाय चरती है गौ चरती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ये प्यारे बच्चों MVBI प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में 100% आएंगे। आप बस आपको एग्जाम में अच्छे से कर है ना अच्छे से लिख देना है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणी पतंती, पत्ते हैं इसलिए पत्रम पत्रे पत्राणी है ना। अगला हमारा आता है कि गंगा हिमालय से निकलती है, फिर से यही प्रश्न है 2012 में पूछा गया बिहार बोर्ड के द्वारा, पूरा क्वेश्चन बैंक इसमें हो जाएगा आपका है ना। तो लिखें गंगा हिमालयात नहीं सरती है ना। सीता राम के साथ वन गई, तो लिखेंगे सीता रामेन सह वनम अगच्छत, मुझे लड्डू अच्छा लगता है, मह्यम मुंदकम रोचते। अगला आता है कर्म से सफलता मिलती है, कर्मणा सफलता मिलती, गरीब छात्र को पुस्तक दो, निर्धनाय छात्राय पुस्तकम देही। कालिदास संस्कृत के कवि हैं, कालिदास संस्कृतस्य कवि अस्ति। अगला हमारा आता है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात एकम पत्रम पतति। नेक्स्ट हमारा आता है कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, निरपह दशरथ के मतलब दशरथस्य 4 के 4 पुत्र के पुत्र आसन। भारत हमारा देश है, भारत है ना, भारत हमारा देश है, तो लिखेंगे भारतम अस्माकम देशः अस्ति, या भारतवर्षम, भारतवर्षम लिख दीजिएगा मेरे ख्याल से यहाँ पर अच्छा होगा, भारतवर्षम हमारा का अस्माकम देश का देशः है का अस्ति। 2013 में बिहार बोर्ड ने पूछा गया है कि मेरे साथ विद्यालय चलो, तो मया सह विद्यालयम चल, उसकी पत्नी शिक्षिका है, तस्य भार्या शिक्षिका अस्ति, आजकल वह गाँव में रहता है, अधुना सह ग्रामीण निवासति। अगला हमारा आता है कि दशरथ के 4 पुत्र थे, MVBI प्रश्न है, आप इसको अच्छे से देखेंगे, दशरथस्य 4 पुत्रा अभवन। क्या देख रहे हैं आप लोग, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो जो आपको है ऐसी ऐसी हजारों वीडियोस आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है कि मैं संस्कृत पढ़ूंगा, अहम अपि मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा, तो अहम अपि संस्कृतम पठनम संस्कृतम पठिष्यामि, भिखारियों को भीख दो, भिखाना भिखारियों को बोलते हैं भिक्षकेभु है ना, भिक्षुकेभ्य भिक्षा देही। नेक्स्ट आता है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार बिहारस्य मुख्यमंत्री अस्ति, सरोवर के चारों ओर वृक्ष हैं, सरोवर परितः वृक्षाणि सन्ति। अगला हमारा आता है कि छात्रों को परीक्षा है ना साथ छात्रों को परिश्रम से पढ़ना चाहिए, छात्रों परिश्रमेण पठेयुः, घोड़े सड़क पर दौड़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये देखो पूरा अनुवाद 100% सही नहीं है, हो सकता है 2-4% मिस्टेक हो इस अनुवाद में, क्योंकि हम प्यारे बच्चों संस्कृत के कोई जाने माने टीचर नहीं हैं, हम आपको इतना करा सकते हैं जो आपका एग्जाम में काम हो जाए। घोड़े सड़क पर दौड़ते हैं, तो अश्वः मार्गे धावंती। 2014 में पूछा गया है कि विद्या से ज्ञान की प्राप्ति होती है, विद्याया ज्ञानम प्राप्यति, भिक्षुक है ना भिक्षुक को धन दो, भिक्षुकाय धनम देही, याद हो जाएगा ना 2-3 बार बोलेंगे तो, भिक्षुकाय धनम देही, भिक्षुकाय धनम देही। राम पिता के साथ घर गया, राम पित्रा सह गृहम अगच्छत, राम पित्रा सह गृहम अगच्छत, राम पित्रा सह गृहम अगच्छत। कवियों में
कालिदास श्रेष्ठ हैं, इसको याद कर लीजिए बोल बोल, कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। अगला आता है हिमालय, हिमालय पहाड़ से गंगा निकलती है, हिमालय का हिमालयात पर्वतात गंगा नहीं सरती। अब ये बोलने का समय नहीं है कि सर हम इसको याद कर लें, रट क्यों ले सर, मेरे प्यारे बच्चों ये बोलने का समय नहीं है अभी, बिल्कुल समय नहीं। आप जो है ना, आपको एकदम आराम से 6 नंबर एग्जाम में लाना है, तो चुपचाप इन प्रश्नों को अच्छे से बना लीजिए, याद कर लीजिए हिमालय। अरे सब लोग रटते हैं, वो झूठ बोलते हैं, हमें समझना है, समझने के लिए पूरा व्याकरण आपको समझना पड़ेगा। हिमालय है तो हिमालय से, तो यहाँ पर पंचम विभक्ति लगा तब हुआ हिमालयात। पर्वत से, तो यहाँ पर पर्वतात हुआ। गंगा का गंगा होता है, जैसे सीता का सीता होता है, आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, तो गंगा का गंगा होता है। निकलने का नहीं सरती होता है, या प्रभवती होता है, या निर्झरणी होता है। अरे आता तो सब कुछ है प्यारे बच्चों, लेकिन हम आपको वो पढ़ा करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते मेरे लाडलो, इसलिए आपको मैं सीधा बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखो, है ना। तुम कब पटना जाओगे, तुम कब पटना जाओगे मेरे बच्चे, तो हम बोलते हैं त्वम कदा पाटलिपुत्रम गमिष्यसि। चाणक्य अर्थशास्त्र के विद्वान थे, चाणक है अर्थशास्त्र, है ना, अर्थशास्त्र से होना चाहिए यहाँ पर, अर्थशास्त्र से विद्वान आसित। नेक्स्ट आता है मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, महम मह्यम, मह्यम मतलब मुझे संस्कृतम रोचते, मुझे मिठाई अच्छे लगते हैं, मह्यम मुंदकम रोचते। ऋतुओं का राजा बसंत है, ऋतुनाम निरपह बसंत अस्ति, ऋतुनाम निरपह बसंत अस्ति। गंगा का जल पवित्र है, गंगाया जलम पवित्रम अस्ति। राम पिता के, है ना, राम पिता का स्मरण करता है, रामः जनकस्य स्मरणम करोति। वह है ना, वह शेर से डरता है, तो लिखेंगे सह व्याघ्रात बिभेति। पंडित दिनेश एक वेद हैं, पंडितः दिनेशः एकम वेदः अस्ति। अगला हमारा आता है कि यहाँ पर, सॉरी बच्चों यहाँ पर एकम नहीं होगा, एक होगा, माफ कीजिएगा, एक हम नहीं होगा, एक होगा, देखिए एक होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए व्यक्ति है, तो यहाँ पर एक हम होगा ना, एकम लगता है किसके लिए, निर्जीव चीज़ों के लिए। पटना गंगा नदी के किनारे है, पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम गंगा सरिता तटे अस्ति, या गंगा तटे अस्ति। मेरा एक मित्र सुभाष है, मम एकम, है ना, मम एक मित्रम सुभाष अस्ति। मैं संस्कृत पढ़ूंगा, अहम अपि संस्कृतम पठिष्यामि, मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा, तो अहम अपि संस्कृतम पठिष्यामि। आजकल वह गंगा में रहता है, अधुना सह, सॉरी आजकल वह गांव में रहता है, अधुना सह ग्रामीण निवासति। मेरे प्यारे बच्चों समय मुझे नहीं मिलता, इसलिए मुझे इतना स्पीड पढ़ाना पड़ता है। उसकी पत्नी शिक्षिका है, तस्य भार्या, है ना, तस्य भार्या विदुषी अस्ति, मतलब शिक्षिता अस्ति, है ना। अगला हमारा आता है कि यह सुंदर घर है, एतत गृहम सुंदरम अस्ति, इसके चारों तरफ सड़क हैं, इदम परितः मार्गानि सन्ति। मैं भी, प्यारे बच्चों पूरा वीडियो को आप अंत तक अच्छे से सिर्फ देख लीजिए, दो बार देख लीजिए, आपका 15-15-30 मिनट लगेगा, लेकिन आपका संस्कृत में आप जाओगे तो अच्छे से लिख पाओगे, है ना। अगला हमारा आता है कि मैं भी यहीं रहता हूँ, अहम अपि अत्रैव निवासामि, मैं चार भाई हूँ। जितना क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा 2011 से लेकर 21 तक में पूछा गया है, सारा क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिला, सारा टोटल का टोटल, है ना। हम सब पत्नियों के साथ विदेश में रहते हैं, तो सर्वे भार्याभिः सह विदेशे निवासति, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम कहाँ रहते हो, त्वम कुत्र निवाससि, तुम्हारे कितने भाई हैं, त्वम कति भ्रातरः सन्ति। झूठ बोलना पाप है, MBBI प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसका टाइपिंग चल रहा होगा मेरे ख्याल से, तो झूठ बोलना पाप है, तो मिथ्यावदनम पापम अस्ति, मिथ्यावदनम पाप अस्ति। धृष्टराष्ट्र आँखों से अंधा था, धृष्टराष्ट्र नेत्रेभ्यम अंधः आसित, अंध का नहीं जानते थे प्यारे बच्चों, तो मैंने अंध ही लिखा दिया था, ठीक है ना। अगला आता है कि नदियों में गंगा पवित्र है, नदीशु गंगा पवित्रः अस्ति, गंगा हिमालय से निकलती है, वही गंगा हिमालयात नहीं सरती। पटना गंगा के किनारे स्थित है, पाटलिपुत्रम गंगा तटे अस्ति। आप देख सकते हैं बिहार बोर्ड में क्वेश्चन को कैसे रिपीट किया जा रहा है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी देखा, फिर यही क्वेश्चन आ रहा है। अगला आता है कि पटना बिहार की राजधानी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र, है ना, पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति, क्या तुम पटना गए हो, किम त्वम पाटलिपुत्रम गतवान असि, तुम मेरे साथ चलोगे, मया सह चलिष्यसि। अगला आता है मैं वहीं रहता हूँ, अहम तत्रैव वसामि, है ना, वहाँ अनेक दर्शनीय स्थल हैं, तत्र अनेकानि दर्शनानि स्थलानि सन्ति। सदा सत्य बोलो, इंपॉर्टेंट है, सदा सत्यम वद, सदा सत्यम वद। राम स्वभाव से सज्जन है, रामः प्रकृत्या सज्जन अस्ति, परिश्रम के बिना सुख नहीं, ये MBBI प्रश्न है, जितने भी MBBI प्रश्न है उसको आप अच्छे से देखेंगे। परिश्रमेम बिना सुखम नास्ति, ग्वाला गाय से दूध दुहता है, गोपह गो दुग्धम दोहति,
अगला, गंगा हिमालय से निकलती है, देखिए कितना बार पूछा गया, एकदम आएगा, गंगा का जल पवित्र होता है, एकदम आएगा, ठीक है ना। तो गंगा हिमालयात निहिसरती, गंगा जलम पवित्रम भवती, भवती यास्ति। गांव के दक्षिण में नदी है, तो ग्रामस्य दक्षिण नदी ही अस्ति। कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, पक्का आएगा, कालिदास कविषु श्रेष्ठ अस्ति, वह ब्राह्मण की स्तुति करता है, सह ब्राह्मणे नस्तुते। अगला आता है कि अशोक पाटलिपुत्र के राजा थे, अशोक पाटलिपुत्र से निरपह आसित, संघमित्रा अनेकों पुत्री थी, संघमित्रा की अनेकों पुत्री थी, तो संघमित्रा तस्य पुत्री आसित, माफ कीजिएगा, संघमित्रा उनकी पुत्री थी, ये होगा, तो लिखेंगे कि संघमित्रा तस्य पुत्री आसित। 2016 में पूछा गया है कि ब्राह्मण, ब्राह्मण को मधुर प्रिय हैं, तो ब्राह्मण मधुरम रोचते, वह एक पैसे से लड़ है ना, वह एक पैर से लड़ है ना, लंगड़ा है, तो लिखेंगे सह एक पादेन खंज अस्ति, महादेव के लिए नमस्कार है, महादेवाय नमः, मुनि आसन पर बैठता है, मुनि आसन अधिष्ठति, अधिष्ठति उद्यान में फूल खिले हैं, उद्याने पुष्पानि विक्षन्ति, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, सह प्रतिदिन विद्यालय गच्छति। अगला आता है कि पटना का गोलघर प्रसिद्ध है, पाटलिपुत्रस्य गोलगृहम प्रसिद्धम अस्ति, बनारस में विश्वनाथ मंदिर है, बनारसे या फिर है ना, बनारसे या फिर काश्याम विश्वनाथ मंदिरम अस्ति, मेरे पिता कल आएंगे, मम पित्रा स्वह आ है ना, स्वह मतलब कल है ना, स्वह आ गमिष्यति, मैं शिक्षक से संस्कृत पढ़ता हूँ, अहम शिक्षकात संस्कृतम पठामी, हो है ना, हो सकता है यहाँ का लकार मेरे पहले जो मिस्टेक हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है। अगला आता है कि राजा दशरथ के चार पुत्र थे, निरपह दशरथस्य चत्वारह पुत्र आसित, मैं उनमें श्रेष्ठ राम था, सॉरी उनमें श्रेष्ठ राम था, तो तेषु राम श्रेष्ठ आसित, सीता राम के साथ बन गई। देखिए आप इसको लिख लिख कर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो, अभी भी एग्जाम पहले जो संस्कृत का सबसे लास्ट दिन है, और सबसे लास्ट दिन अगर आपका एग्जाम है संस्कृत का, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं अभी से भी, है ना, अभी भी आपके पास टाइम है। अगला, सीता राम के साथ वन गई, सीता रामेण सह वनम अगच्छत, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्रम पतंती, ग्वाला गाय दूहता है, गोपालक गौ दुघते। अगला आता है कि वह कल पटना जाएगा, सह श्वह पटना है ना, पटनायाम गमिष्यति, उसे फल खाना चाहिए, तम फलम खादिना है ना, क्या लिखे खादिनम। अगला आता है कि मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, अहम प्रतिदिन विद्यालय गच्छामि, परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती, परिश्रमेण बिना विद्या न प्राप्यते, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, ग्रामस्य परितः वृक्षा सन्ति। अगला आता है कि राजा है ना, 17 में पूछा गया, राजा ब्राह्मण को गाय देता है, राजा ब्राह्मणाय गौ ददाति, राम को एक आँख का काना है, तो राम एकेन नेत्रेन काना, राम स्वभाव से सज्जन है, राम स्वभावेन सज्जन अस्ति। अगला हमारा आता है कि भगवान के बिना सुख नहीं, तो है ना, भगवतम बिना सुखम नास्ति, मूर्ख अध्ययन से भागता है, मूर्ख अध्ययनात पल्यन्ते, अभी बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को छोड़ के भाग जाएंगे क्योंकि उन्हें पढ़ने में मन नहीं लगता है। अगला आता है कि सीताराम की पत्नी थी, सीतारामस्य भार्या अस्ति, पटना का गोलघर प्रसिद्ध है, पाटलिपुत्र से गोलगृहम प्रसिद्धम अस्ति। अगला हमारा आता है पटना का संग्रहालय दर्शनीय है, पाटलिपुत्र से संग्रहालय दर्शन वर्तते, हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए, वयम व्याकरणम पठेम, राम लक्ष्मण व सीता के साथ वन गए, राम लक्ष्मण च सीताया सह वनम अगच्छत। आप इसको बोलेंगे, दो चार बार लिखेंगे, हो जाएगा। 2017 का द्वितीय पाली है, पर्वतों में सबसे ऊँचा हिमालय है, पर्वतेषु हिमालय उच्चतम अस्ति, लोग इनको पर्वत राज कहते हैं, जना इदम पर्वतराज कथ्यते। अगला आता है, यह भारत का प्रहरी है, अयम भारतस्य प्रहरी अस्ति, है ना, गंगा हिमालय, क्या लिखा है, हिमालय से ही गंगा निकलती है, हिमालयात एव गंगा निहिसरती, है ना, मुझको ब्राह्मण अच्छा लगता है, मह्यम ब्राह्मणम रोचते, कल मैं जयपुर जाऊंगा, स्वह अहम जयपुरम गमिष्यामि, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, तो किम त्वम मया सह चलिष्यसि, तुम एक पैर से लंगड़े हो, तो हम एकेन पादेन खंजह अस्ति, इसके पूर्व मैं गोवा गया था, है ना, अनेन पूर्व अहम गोवागत आशम गया था। अगला आता है कि सदा सत्य बोलो, सदा सत्यम वद तू, ये MBBI प्रश्न है, पक्के एग्जाम में आने के चांसेस हैं। अगला आता है कि जनक मिथिला के राजा थे, जनक मिथिलाया निरपह आसित, सीता जनक की पुत्री थी, सीता जनकस्य आत्मजया आसित, सीता का विवाह राम के साथ हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
एम भी वही प्रश्न है कि सीताया विवाह रामेण सह अभवत। नेक्स्ट आता है वह धोबी को कपड़ा देता है सह है ना राजकस्य वस्त्रम ददाति। बच्चों को मिठाई अच्छी लगती है ना बालकेभ्य मिष्टान्नम रोचते। हम लोग विद्यालय में पढ़ते हैं तो वयम विद्यालये पठामः। वह बाघ से डरता है सह व्याघ्रात विभेति। आज वर्षा होगी अयह वृष्टि भविष्यति ही। अगला हमारा आता है कि जंगल का राजा सिंह होता है वनस्य निरपह सिंहम भवती। गंगा हिमालय से निकलती है गंगा हिमालयात नहीं सरती। गंगा हिमालयात नहीं सरती गंगा हिमालयात नहीं सरती। याद हो जाएगा बोलते बोलते। अब हम लोग चलते हैं 2018 में। तो भारत क्या पूछा गया है कि भारत महान देश है। भारत महानम देश अस्ति। इस समय श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। संप्रति मतलब इस समय संप्रति श्री नरेंद्र मोदी भारत अस्य प्रधानमंत्री अस्ति। इसका जन्म गुजरात में हुआ था। अस्य जन्म गुजरात अभवत। अगला आता है कि क्या तुम गुजराती जानते हो। किम त्वम गुजराती जानसी। हम सभी को संस्कृत पढ़ना चाहिए। वयम संस्कृतम पठेम। संस्कृत प्राचीनतम भाषा है। संस्कृतम है ना संस्कृतम प्राचीनतम भाषा अस्ति। अगला आता है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा। अहम स्वह दिल्ली गमिष्यामि। वे लोग भी मरे है ना वे लोग भी मेरे साथ जाएंगे। ते अपि मह्यम सह गमिष्यन्ति। मुझे पर्यटन अच्छा लगता है। मह्यम पर्यटन रोचते। मुझे किताब पढ़ना जो भी अच्छा लगता है तो रोचते लगा दीजिएगा। 2018 का द्वितीय पाली है। पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति। मतलब पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है। यह गंगा के किनारे अवस्थित है। इदम गंगा तटे अवस्थित अस्ति। आप देख रहे हैं कि बार बार इन दोनों प्रश्नों को रिपीट किया जा रहा है तो आप इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से देख लेंगे। यह नदियों में सबसे पवित्र है। इदम नदीशु पवित्र अस्ति। नेक्स्ट आता है हमारा कि गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालयात निहिसरति। मैं पटना में पढ़ता हूँ। अहम पाटलिपुत्रम है ना पाटलिपुत्रम नहीं होना चाहिए। पाटलिपुत्र में देव में तो देवे पाटलिपुत्र में तो पाटलिपुत्र में होगा। पठामी मैं अपने मित्रों के साथ गंगा स्नान करता हूँ। तो अहम मित्राणि सह प्रतिदिनम गंगा स्नानम करोति ही। लेकिन सुनील पैर से लंगरा है अपितु सुनील पादेन खजह अस्ति। खजह मतलब लंगरा। मेरे सभी मित्र सुशील हैं। मम सर्वाणी मित्राणी सुशलाक्षण क्या लिखा है सुशीलानी शांति। तुम्हें मिठाई अच्छी लगती है। तुम मिष्टान्नम रोचते है ना उसको सत्य बोलना चाहिए। तस्य सत्यम वद। अगला हमारा आता है नेक्स्ट है हमारा कि भारत है ना ऋषि महर्षियों का देश है। भारत ऋषि महर्षिणाम देश अस्ति। प्राचीन भारत में नेक्स्ट हमारा आता है कि भारत ऋषि महर्षियों का देश है। भारत ऋषि महर्षिणाम देश अस्ति। प्राचीन काल में इसे विश्वगुरु कहा जाता था। तो प्राचीन काल अस्मिन् विश्वगुरु कथ्यते। नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट हमारा आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ था। तो नालंदा विश्वविद्यालय अत्र अस्ति आसित। सॉरी बच्चों था तो आसित। उसमें विभिन्न देश के लोग पढ़ने के लिए आते थे। तस्मिन् अनेकानि देशस्य जनाः पठनाय आगच्छन्। इस समय उनके भग्नावशेष मात्र हैं। तो है ना क्या लिखेंगे इदानीम सह भग्नावशेष मात्रेण अस्ति। अगला आता है कि मैं कल उसे देखने जाऊंगा। अहम स्वयं तस्य है ना तस्य दक्षामि है ना मुझको खंडर देखना अच्छा लगता है। मह्यम खंडरम दृश्य रोचते। खंडर भी शिक्षा देते हैं। तो खंडराणी अपि शिक्षा ददान्ति। क्या तुम मेरे साथ चलोगे। किम त्वम मह्यम स चलसी। आप लोगों का ज़्यादा कमेंट होगा सर इसका पीडीएफ क्यों नहीं दे देते हैं आप। तो मेरे लाडलों इसका पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन पहले आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए 2-3 बार इस वीडियो को देख करके। वीडियो में अगर मैं जो बोल रहा हूँ ना उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा ठीक है। अगला हमारा आता है कि भारतवर्ष देवों की भूमि है। भारतवर्षम देवानाम भूमि अस्ति। चार भाइयों में राम सबसे बड़ा है। चत्वार भ्रातेषु रामः ज्येष्ठः अस्ति। अगला हमारा आता है कि बिहार की राजधानी पटना है। कितनी बार बोलूँ नदियों गंगा में है ना नदियों में गंगा श्रेष्ठ है आपको पता है। वे लोग सब है ना अपने अपने घर है ना घर को चले गए। बहुत आसान है। वह पढ़कर खेलने चला गया है ना। जल में मछलियाँ तैरती है। जले मत्स्या तैरंती। गोपालक गाँव से घी लाता है। गोपालक ग्रामीण घी अनायति। अनायति मतलब लाता है। राम के साथ लक्ष्मण भी वन गए। तो रामेण सह लक्ष्मणम अपित वनम अगच्छत। पंचवाटिका में राक्षसों का साम्राज्य था। पंचवटे द्रैतवान
दैत्य नाम साम्राज्यम आसित। अगला हमारा आता है कि ग्राम के दोनों ओर वृक्ष हैं, ग्रामस्य उभयतः वृक्षाणि सन्ति। उभयतः मतलब दोनों ओर, परितः मतलब चारों ओर। राजा निर्धन को वस्त्र देता है, निर्धनेभ्य वस्त्राणि ददाति। वह कान से बहरा है, सह कानेन बहिरा आसित। अगला, राम के साथ सीता बन गई, रामेण सह सीतावनम अगच्छत। शारदा देवी एक योग्य शिक्षिका है, शारदा देवी एका योग्य शिक्षिका अस्ति। आलस्य मनुष्य का महान शत्रु है, आलस्य मनुष्य नाम महानम शत्रु अस्ति। अगला आता है कि छात्रों को पुरस्कार दो, छात्रेभ्यः पुरस्कारम देहि, पुरस्कारानि देहि, या फिर पुरस्कारम देहि। वह सांप से डरता है, सह सर्पात बिभेति। परिश्रम के बिना विद्या नहीं, ये तो हम पढ़ा चुके हैं, कालिदास संस्कृत में श्रेष्ठ है, पहले ही पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट आता है कि मुझे संस्कृत अच्छे लगते हैं, मह्यम संस्कृतम रोचते। मुक्ति के लिए हरि की भावगदन करो, मुक्ति नाम है ना, मुक्त है ना, मुक्तिन्या हरि भजति। एक छात्र पढ़ने के लिए जाता है, सॉरी, यह छात्र पढ़ने के लिए जाता है तो अयम छात्र पठनाय गच्छति, है ना। राजा भिखारी को अन्न देता है, पढ़ा चुके हैं। केस है ना, कंस कृष्णा पर क्रोध करता है तो कंस कृष्णे क्रोधम करोति। नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि राम ने रावण को, है ना, राम ने रावण को बाण से मारा तो राम रावणम बाणेन ओहनत। कुंभकर्ण लंकेश का भाई था, कुंभकर्ण लंकेश है भ्रातर आसित। गंगा हिमालय से निकलती है, एकदम आएगा प्यारे बच्चों, बहुत बार आया है कि गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, ग्रामम परितः वृक्षाणि सन्ति। शील से ही मनुष्य पशु के समान होते हैं, शील है ना, शीलहीन मनुष्य पशु है ना स्वः भवति, ठीक है ना। अब हमारा आता है 2020 कि तुम घर जाओ, त्वम गृहम गच्छ। प्रजा राजा को नमस्कार करती है, प्रजा निरपह नमः करोति। गुरु शिष्य के साथ घूमता है, गुरु शिष्येण सह भ्रमति। अगला आता है मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए, मह्यम पुस्तकम पठनायम। राजा सेनापति के साथ यहाँ आया, निरपह सेनापति है ना, सेनापति नेक्ष सह अत्र अगच्छत, है ना। विवाद मत करो, विवाद ना करो। बालक को फल अच्छा लगता है, पूरी वीडियो को आप देखेंगे, देखिए समय प्यारे बच्चों, इसको आप है ना दुगना स्पीड करके बाद में देख सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, क्योंकि देखिए इस वीडियो को बनाने में कितना मेहनत लगा है, आप लोग इस बात को सोच सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी देख सकें, है ना। बालक को फल अच्छा लगता है, बालकाय फलम रोचते। वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, सह पठनाय विद्यालयम गच्छति। अगला आता है कि है ना कि राजा राज्य को, है ना, राजा राज्य को चोर से बचाता है, निरपह राज्यम चोरात रक्षति। हिमालय से गंगा निकलती है तो आपको पता ही है, बहुत बार बता चुके हैं, है ना। राम एक लड़का है, बहुत हल्का है, रामः एकः बालकः अस्ति। वह दसम वर्ग में पढ़ता है, सह दसम वर्गे पठति, उसके साथ मैं भी पढ़ता हूँ, तो तस्य सह अहम अपि पठामि। देखो इसका कोई नियम नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। देखिए अगर यहाँ पर किसी एक को उठा के नहीं लिया जाता है तो सारे प्रश्न यहाँ से रहेंगे, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए कि तुम गांव में रहते हो तो तुम ग्रामीण निवासी, है ना, तुम्हारा मित्र पैर से लंगड़ा है तो तुम मित्र पादेन, आप है ना, कम से कम ये तो आप जाने कि लंगड़ा को हम लोग खजह कहते हैं, ताकि वहाँ पर लिख दीजिएगा, समझे। 100% कोई चेक नहीं करता है, 100% चेक करेगा पता है आपको, बहुत सारा बच्चा का मतलब उसमें हो जाएगा मिस्टेक, तो 100% चेक नहीं होता है, बस इतना देखता है कि बच्चा लिखने के लिए थोड़ा बहुत जानता है कि नहीं, समझे कि नहीं। क्या लिखा है, परंतु वह अगर 100% होता तो हम लोग का है ना इतना नंबर संस्कृत में कभी नहीं आता, क्योंकि हम लोगों को संस्कृत खुद नहीं आता था, लेकिन अच्छा खासा नंबर आया था, ठीक है। परंतु वह पढ़ने में बहुत मेधावी है, तो किंतु सह पठनाम अति मेधावी अस्ति। वह घर से विद्यालय जाता है, सह घर से मतलब गृहात विद्यालय आगच्छति, है ना, उसका घर विद्यालय से बहुत दूरी नहीं है, तस्य गृहम विद्यालयात अति दूरम न अस्ति। नेक्स्ट है, क्या तुम उसको जानते हो, किम तो तस्य जानसी, वे लोग कल आए थे तो है ना अगछताम। 2021 का प्रथम पाली है, कलम अच्छा ना, कमल अच्छा लड़का है तो कमल सुंदर बालक अस्ति। तालाब के चारों ओर वृक्ष हैं, तालाब परित वृक्षाणी सन्ति। अब हम लोग को है ना, अब कुछ लोग कमेंट करें सर आप तालाब का ये होगा, अरे बच्चों कुछ होगा उसको छोड़िए, आप देखिए 100% हम संस्कृत का पंडित थोड़ी ना है, जो भी हमें आ रहा है आपका काम करने के लिए उतना देखिए इतना ज़रूरी है, और इतना भी अगर आप एग्ज़ाम में लिख देते हैं तो हम कहते हैं आपको वादा करते हैं कि आपका 6 में से 6 अंक आएगा, जो हम बोलते हैं इतना भी अगर आप अच्छा से लिख देते हैं तो। क्या लिखा है कि मुझको उसका स्वभाव अच्छा लगता है, मह्यम तस्य स्वभावम रोचते, है ना, दुष्टों में उसकी रहना, दुष्टों से उसकी रक्षा करो, दुष्टेभ्य तस्य रक्षः, उसके साथ उसकी पत्नी भी है, तस्य सह तस्य भार्या अपि अस्ति। राजा
है, निर्धनों को वस्त्र देता है, निरप है ना, क्या लिखा है, निरपह निर्द्रव्य वस्त्रम ददाती, वह गीत गाती है तो सह गीत गायती। नेक्स्ट है, क्या तुम संस्कृत पढ़ोगे, किम त्वम संस्कृतम पठिष्यसि, यह पुस्तक अच्छी है, इदम पुस्तकम सुंदरम अस्ति, वे लोग सब है ना, वे लोग घर जाएं तो ते गृहम गच्छन्तु। लास्ट हमारा द्वितीय पाली है कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, संस्कृतम सर्वे है ना, संस्कृतम सर्वेषाम भाषाणाम जननी अस्ति, वह गीता के साथ पढ़ने के लिए जाएगी, तो सह गीतया सह पठनाय गमिष्यसि, हमेशा लोग हित सोचना चाहिए, हमेशा लोगों को हित सोचना चाहिए, हमेशा लोग हितया चिंतनाम कुरु। ठीक है ना, हम लिखा देते हैं ना, मैं सूर्य उगने पर जगता है ना जगूंगा, अहम सूर्या उद्यते गमिष्यामि, मैं सूर्य उगने पर जाऊँगा तो गमिष्यामि हो जाएगा। हम सब प्रातः ब्राह्मण करते हैं तो वयम प्रातः ग्राम है ना काले ब्राह्मणाम। देखिए आपको कोई दिखे ग्रामर जान करके आपको ना तो टीचर बनना है ना तो कोई बनना है, तो आपको क्या करना है कि आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए, आपका एग्जाम में हो जाएगा। और आपसे देखिए अगर यहाँ से नहीं भी आता है फिर भी आपको मिला जुला करके लिख देना है। ठीक है, मुझे मिठाई अच्छा लगती तो हल्का है। नेक्स्ट है, राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत है ना भारतस्य प्रथम राष्ट्रपति आसीत है ना। गणेश को नमस्कार है तो श्री गणेश है ना, क्या लिखे गणेशाय नमः, ये तो एकदम शुरू में आना चाहिए इसको जी। नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, नदीशु गंगा श्रेष्ठ अस्ति। तो हमने टोटल आपको 2011 से लेकर के 2021 तक करवा दिया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसकी लगभग 90% हमें गारंटी हम आपको देते हैं, मुझे उम्मीद भी है कि नहीं आएगा। अगर हो सकता है कि सेट करने वाला कुछ उल्टा पुल्टा सेट कर दे फिर भी आपको एकदम मिला जुला करके लिख देना है, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग के लिए लाभदायक होगा, क्या है ना यह वीडियो आप लोग के लिए लाभदायक है आप लोग मुझे बताएं। और है ना एक काम कीजिएगा, आप लोग इस वीडियो के नीचे अपने अपने जिले का नाम लिखिएगा, आप लोग किस जिला से देखते हैं, ताकि हमको भी पता चले कि दिशा ऑनलाइन क्लासेस कहाँ तक पहुँच चुका है और कहाँ कहाँ के बच्चे मेरी वीडियो को देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी, जो भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है वह वीडियो आ जाएगी, आप लोग उसके लिए चिंता ना करें है ना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, आप लोग लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर पहले तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।